मुल्तान में पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने गफलत की इंतहा कर दी। दिल्ली गेट आतिशबाजी धमाके के मकाम से 3 रोज़ बाद दोबारा ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 लाशें बरामद कर ली गईं। जराए के मुताबिक लाशें गली से गुजरने वाले अफराद की थीं। इंतजामिया ने गली का मलबा हटाए बगैर ही ऑपरेशन ख़त्म कर दिया था। तफसीलात जान लेते हैं, हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, रेस्क्यू हुकाम का कोई मौकफ सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, आज से 3 रोज का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। दिल्ली गेट के इलाके में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में जो है वो धमाका हुआ था, और पहले रोज जो ऑपरेशन किया गया था उसमें 4 लाशें जो है वो मलबे तले से जो है निकाली गई थी, और ऑपरेशन को जो है वो क्लोज कर दिया गया था दिल्ली इंतजामिया पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से। गुज़िश्ता रात जो है वो इंसानी एज़ा की बदबू आने पर जो है दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया, और रात को जो है 3 मजीद लाशें जो है वो मलबे तले से जो है वो निकाली गई हैं। अब जो टोटल तादाद है वो 7 हो गई। अभी भी लवाइकिन जो है वो जाए हादसे पर मौजूद है, पर उनका कहना है कि हमारे जो प्यारे हैं वो अभी भी जो है मलबे तले दबे हुए हैं, और उनकी तलाश जो है वो जारी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी भी जारी है। जो लेबर है वो भी अभी भी जो है वो मलबा हटाने में मसरूफ है। रेस्क्यू एहलकार जो पुलिस एहलकार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।